गोरखपुर आज इंदिरा नगर गोपालपुर में नगर निगम की टीम जल निकासी का नाला बनाने के लिए पहुंची और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की जमीन जलाशय कब्जा और नाले को कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा में बने पोखर की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा किया जा रहा है, जिससे जल निकासी के लिए असुविधा हो रही है। जल निकासी न होने के कारण बारिश हो या ना हो, फिर भी लोग जल जमाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। वहीं नगर निगम की टीम ने आज जेसीबी लेकर नाला बनाने के लिए तत्परता दिखाई और मौके पर महिलाओं व बच्चों और बुजुर्गों ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से इस समस्या का सामना यहां के स्थानीय लोग झेल रहे हैं, लेकिन भू माफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा करके जल निकासी के रास्ते को और अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे में जल निकासी जब नहीं होगी तो जल जमा होना लाजमी है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर नगर आयुक्त ने भी लोगों से जमीन के पुराने नक्शे व पुराने लोगों से बातचीत करने की कवायद शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बार बार स्थानीय लोगों एवं पूर्व पार्षद पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर भू माफिया द्वारा परेशान किया जा रहा है। कभी भी किसी प्रकार की बड़ी घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि बार बार मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद एवं जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। शासन की उदासीनता के कारण जलाशय की जमीन को कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और शिकायतकर्ताओं के ऊपर स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने कब्जे की जमीन को खाली करवाया। इसके अलावा एसडीएम सदर को जमीन की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह स्थानीय नागरिक जय पासवान ने कहा, देखा जा रहा है। चलो आप लोग चलो इसकी अभिलेखी परीक्षण करने के लिए हम लोग डीएम साहब को पत्र भेजेंगे। अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है इसमें दो नक्शे हैं, जिसमें कि एक में नाला दर्शाया गया है और एक में जमींदारी की जमीन दिखाई गई है। सर कुछ लोगों द्वारा यहाँ की जमीन एक मिनट, जब तक कि दोनों में से क्लियर ना हो जाए, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड जब तक पुराना रिकॉर्ड हम नहीं देख चेक करेंगे या नहीं करा पाएंगे, तब तक हम निर्णय इस प्रकार नहीं कर सकते कि मौके की जमीन बोकरे के रूप में है लेकिन जमीन अभिलेख में क्या। सर यहाँ कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ग्राम सभा की और पोखरे की जमीन कब्जा करने की बात कही जा रही है, इस पर किस तरह से एक्शन लेंगे? बात आप ग्राम सभा और पोखरे की बात, इसी का तो परीक्षण कराया जाना है। अभी फिलहाल जो देखा गया है कि जहां जो मिट्टी उट्टी पाटे हैं इसको तत्काल रूप से मना कर दिया गया है, और संबंधित तहसील के एसडीएम को पत्र में लिखूंगा कि लिख रहे हैं हम लोग कि इसका संज्ञान ले, मौके की परीक्षण करा लें और अभिलेख की परीक्षण करा लें। आज आप कार्रवाई करने आए हैं, कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या विरोध? बहुत सारे लोगों को अभिलेख का ज्ञान नहीं है, अभिलेखी ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार की बातें आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि इसमें काफ़ी समय से लोग बता रहे हैं कि हम इसमें कपड़ा साफ कर रहे थे या अपना जो भी कूड़ा फेंक रहे थे, तो उनको लगता है कि ये जमीन गवर्नमेंट की है, तो इसका हम परीक्षण कराएंगे। हमारी मांग है कि पार्क वर्क हो जाए, कम से कम बहन बेटी का शादी विवाह हो, इसमें ये भूमाफिया जो 18 डिसमिल का आपका खलियो पोखरी है, 43 डिसमिल का खलियान है, 48 डिसमिल का एक पोखरी और वो नाला है। इस नाले में इनका है क्या, ये राजे क्या ना श्याम नारायण मिश्रा, जिनका ये फर्जी कागज बनवा के जो कचहरी कहाँ निकलता है, खतौनी में कचहरी का नाम है, नहीं हाथ से बनवा के ये दिखा रहे हमारा है, कहीं इनका नाम नहीं, किस बेस में ये पाट रहे हैं? दो दो बार हमको ले जाके बंद कर चुके। अगर कल हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार श्याम नारायण मिश्रा और सुधीर यादव हैं। रात रात में भूमाफियाओं के साथ आ रहे हैं, मिट्टी पाट रहे हैं, गांव वाले के मना करने पे थाना से लेके पुलिस लेके मिला के सबको ले जाके दो बार चालान कट चुके हमारे, किस बेस पे किए चालान? आज क्या अधिकारियों से आपने मांग की है? अधिकारियों से यही मांग है, इसको जांच करवा के पार्क बनवाया जाए, तो कम से कम बहन बेटी दो गांव तीन गांव की बहन बेटी की शादी विवाह तो हो। ये साल उम्र हमारा हो गया, कम इसी में तैरे खेले कूदे हैं, तीन तीन बार मछली पालन हो चुका, श्यामू यादव कराए थे, एक बार गोपालपुर के चंद्रमान निषाद कराए दो बार। और तो कब्जा किया। क्या नाम है आपका? अजय पासवान।